दोस्तों, गुलाम भारत की कई दास्तान हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज की पीढ़ी जब उन कहानियों को सुनती है, कभी तो खून खौल जाता है और कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो कभी क्रोध भर जाता है। गुलाम भारत के इतिहास में एक ऐसी खूनी दास्तान है जो अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीयों के नरसंहार की एक दर्दनाक घटना है। हर साल जब वो दिन आता है, उस घटना का दर्द सबकी आंखों में झलकने लगता है। शहादत का वो दिन 13 अप्रैल को, इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हर भारतीय के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड बेहद दर्दनाक घटना है, जिसमें खूनी नदियां बहाई गई थी, कुआं भारतीयों की लाशों से पटा था और सबकी रूह कांप गई थी। पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग नाम की एक जगह है। 13 अप्रैल 1919 के दिन वहां अंग्रेजों ने कई भारतीयों पर गोली बरसाई थी। उस कांड में कई परिवार खत्म हो गए, बच्चे, महिला, बूढ़े, किसी को भी अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा। दरअसल उस दिन जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की दमनकारी नीति, रोल्टे एक्ट और सत्यपाल व सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एक सभा आयोजन किया गया था। हालांकि इस दौरान शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन कर्फ्यू के बीच में हजारों लोग सभा में शामिल होने पहुंचे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर अपने परिवार के साथ वही लगे मिले देखने गए थे। जब ब्रिटिश हुकूमत ने जलियांवाला बाग पर इतने लोगों की भीड़ देखी तो वह बौखला गए। उनको लगा कि वहां भारतीय 1857 की क्रांति को दोबारा दोहराना चाहते हैं। ऐसी नौबत आने से पहले ही वह भारतीयों की आवाज को कुचलना चाहते थे और उस दिन अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। सभा में शामिल नेता जब भाषण दे रहे तब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर वह पहुंच गए। कहा जाता है कि इस दौरान वहां 5,000 लोग पहुंचे थे। वही जनरल डायर ने अपनी ब्रिटिश सेना, जिनकी संख्या 90 थी, उन्होंने वहां मौजूद लोगों को चेतावनी दिए बिना ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सैनिकों ने महज 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई। इस दौरान जलियांवाला बाग में मौजूद लोग उस मैदान से बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि बाग के चारों तरफ मकान बने थे। बाहर निकलने के लिए बस एक ही सकरा रास्ता था। भागने का कोई रास्ता न होने के कारण वहां लोग फंस गए थे। अंग्रेजों से बचने के लिए कुछ लोग एकमात्र कुएं में कूद गए। कुछ देर बाद कुआं भी लाशों से भर गया। जलियांवाला बाग में शहीद होने वाले लोग का सही आंकड़ा आज भी पता नहीं चल सका, लेकिन डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, तो जलियांवाला बाग में 388 शहीदों की लिस्ट है। ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों में 379 लोगों की मौत और 200 लोग घायल होने का दावा किया गया। हालांकि अनाधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटिश सरकार और जनरल डायर के इस नरसंहार में 1,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए, लगभग 2,000 से अधिक भारतीय घायल हुए थे। तो दोस्तों, इस दर्दनाक घटना को पढ़ने के बाद मुझे भी बहुत दुख हो रहा है।